भोलापुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता पैदा करना चाहता है विपक्ष। सीएम योगी ने कहा, कृषि सुधार पर विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर। चुनावी घोषणा पत्र और संसद के अस्थायी समिति में किया समर्थन, फिर अब विरोध क्यों। 8 दिसंबर को भारत बंद के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा। कहा, पेट्रोलिंग बढ़ाकर बरती जाए सुरक्षा, न होने पाए कोई अप्रिय घटना। स्कूटी से टकराई विधायक के भाई की कार। शाहपुर पुलिस ने विधायक के भाई की जमकर की पिटाई। एसएसपी ने थानेदार को छोड़कर अन्य पुलिस कर्मियों पर की कार्रवाई। थाना प्रभारी निरीक्षक को दिया अभेदान, जाँच के दिए आदेश। राजस्व परिषद के आयुक्त व सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की समीक्षा। ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर डाटा एंट्री के संबंध में की चर्चा। कहा, 10 दिसंबर तक कार्यों को करें पूरा। मंडलुक जैन नालिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई 10 से 12 दिसंबर तक पूर्वांचल के विकास पर आयोजित होने वाले वेबिनार कार्यक्रम की तैयारी बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत वेबिनार को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। अरविंद चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की मंडलीय समीक्षा बैठक। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन है सतर्क। बंदी के नाम पर उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव सहकारिता MVS रमा रेड्डी ने सोमवार को धान खरीद की समीक्षा। शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर धान खरीद के दिए निर्देश। कहा, क्रय केंद्रों पर उपलब्ध हो सभी सुविधाएं, 72 घंटे के भीतर करें किसानों को उनके धान मूल्य का भुगतान। सीएमओ कार्यालय पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उमड़ा नौ नियुक्त शिक्षकों का हुजूम। जबकि सीएमओ ने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 7 दिनों की है मोहलत। गोरखपुर में सोमवार को मिले 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,295। अब तक 326 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 406 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्री कांति वारिनी की पुष्टि। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के समर्थन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और PSP लोहिया किसान सभा द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, जताया विरोध। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वां स्थापना दिवस पर आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को कंप्यूटर प्रश्न मंच प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 6 विद्यालयों के छात्रों ने किया प्रतिभाग। 10 दिसंबर को प्रतियोगिता में विजय प्रतिभागियों को किया जाएगा सम्मानित। और मौसम में अचानक हुआ बदलाव। सूर्यदेव समय से निकले लेकिन करीब 10 बजे तक छाया रहा कोहरे का असर। लाइट जलाकर चली गाड़ियां। जिला प्रशासन ने गोरखपुर में घने कोहरे और भारी ठंड की जारी की चेतावनी।